नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि 90 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में ऐसे कौन से व्यापक सुधार किए गए जिससे आज हम एक मजबूत स्थिति में हैं, और वो ऐसी परिस्थितियाँ कौन सी थी जिसके कारण व्यापक आर्थिक सुधार की ओर भारत सरकार द्वारा आगे बढ़ा गया। तो सबसे पहले मैं परिस्थितियों के बारे में बताना चाहती हूँ। जो 90 का दशक था वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह के रूप में खड़ा हो गया था। भारत में इतना मुद्रा इतनी मतलब विदेशी मुद्रा नहीं रह गई थी कि भारत आयातित सामानों के लिए पैसा दे सके। लगातार भारत में मुद्रा स्फीति आगे बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई थी, गरीबी की समस्या उत्पन्न हो गई थी, और साथ में कई प्रकार के प्राकृतिक आपदा भी आ रहा था जिसके कारण अर्थव्यवस्था अपने चरम पर हो रहा था और हर जगह त्राहिमाम की स्थिति थी। उस दौरान भारत सरकार द्वारा एक वरदान भरा निर्णय लिया, वह निर्णय था व्यापक आर्थिक सुधार। और इस व्यापक आर्थिक सुधार के तहत भारत द्वारा एक संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया ताकि राजकोषीय स्थिरता को संतुलित किया जा सके। और व्यापार घाटा जिस हिसाब से भारत में बढ़ रहा था उसको संतुलित किया जाए, उस पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। भारत इन समस्याओं से निजात पाने के लिए कई प्रकार के सुधार किए, जिसमें सबसे पहला सुधार था भूमंडलीकरण को अपनाया गया, निजीकरण को अपनाया गया और उदारीकरण को अपनाया गया। इस नीति के तहत भारत ने अपने बाजार को विश्व अर्थव्यवस्था के लिए खोल दिया। भारत ने जो लाइसेंसी पद्धति थी उसमें उदारता लाया गया। भारत के जो सार्वजनिक उपक्रम थे जो बहुत ही रुकड़ हो चुके थे, पतन की ओर जा रहे थे और वह किसी भी रूप से लाभदायक नहीं थे, भारत सरकार ने ऐसे उद्यमियों का निजीकरण किया ताकि उस रुकड़ उद्योग को ऊर्जावान प्राण संपन्न बनाया जा सके, क्योंकि रुकड़ उद्योगों के कारण लोग बेरोजगार हो गए थे। और इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा लाइसेंसिंग पद्धति में उदारीकरण लाया गया। इसी साथ ही भारत ने बैंकिंग प्रणाली में भी सुधार किया और वहीं से वित्तीय समावेशन की गति को भी बल मिलना शुरू हुआ। एक खास बात है कि इस दौरान भारत ने कृषि में बहुमूल्य सुधारवादी कार्यक्रम की नींव रखी। हमारे वहाँ जो हरित क्रांति की शुरुआत जो 60 और 70 दशक में थी, वो इस समय की पर जो प्राकृतिक आपदा की जो संकट थी उससे वो चरमरा गई थी। इस दौरान भारत सरकार द्वारा कृषि व्यवस्था में अनेक वित्तीय सहयोग कार्यक्रम आरंभ किया गया। बैंकों को निर्देशित किया गया कि आप कृषक बंधुओं को न्यूनतम ब्याज दर पर उन्हें सहयोग करिए। साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा जो आवश्यक खाद्य वगैरह थी उसकी आपूर्ति कृषक बंधुओं को किया गया। और इस समय भारत सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाओं को भी आरंभ किया गया ताकि जो हमारे बंधु हैं, जो हमारे देशवासी हैं, जो गरीब हैं, जिनको दो जून की रोटी भी नसीब नहीं हो रही थी, उनको भरण पोषण का मार्ग उनका प्रशस्त किया जा सके। इस दौरान की जो परिस्थितियां थी वह काफ़ी शोचनीय थी और इस व्यापक आर्थिक सुधार के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में गजब का सुधार देखा गया। भारत लगातार आगे बढ़ा। इस दौरान कई आलोचनाएं भी भारत की गई कि भारत अपने
संविधान के लक्ष्य समाजवादी व्यवस्था को खत्म कर रहा है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, संवैधानिक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की परिकल्पना तभी कंप्लीट होती है जब कल्याणकारी योजनाओं के सफलता से क्रियान्वयन के लिए आर्थिक सहयोग मिले। भारत सरकार द्वारा इस एलपीजी नीति के तहत भारत की अर्थव्यवस्था में प्राण को फूंकने का काम किया गया था, क्योंकि जब तक हमारी अर्थव्यवस्था प्राण संपन्न नहीं होती तब तक हम कैसे अतिरिक्त अर्थव्यवस्था का निर्माण करते, कैसे अतिरिक्त राजस्व का निर्माण होता। और जब तक अतिरिक्त राजस्व का निर्माण नहीं होता तब तक कल्याणकारी योजनाओं का हम कैसे पूर्णतः क्रियान्वयन करते। तो कहीं ना कहीं यह भी एक उद्देश्य था। इसलिए समावेशी विकास के लिए यह जो संरचनात्मक सुधार किया गया 90 के दशक में वो बेहद खास सुधार था, और उसका परिणाम यह रहा कि भारत निरंतर आगे बढ़ता गया। भारत की जो दवा उद्योग थी वो गजब के आगे बढ़ी। वहीं दूसरी तरफ भारत के जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे उनको भी बल मिला। इसी आर्थिक सुधार के कारण भारत द्वारा मझोले और लघु उद्योग को काफ़ी सहयोग दिया गया। इनके लिए एक स्पेशल नीतियाँ भी बनाई गई। ऐसा नहीं था कि बस भारत द्वारा निजीकरण कर दिया गया, उदारीकरण कर दिया गया, भूमंडलीकरण कर दिया गया और कोई लायबिलिटी जो थी उसे ख़त्म कर दिया गया। नहीं, भारत ने इन नीतियों को लागू करते हुए भारत की प्रत्येक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, चाहे वो प्राथमिक हो, द्वितीयक हो या तृतीयक क्षेत्र हो, सब पे गहनता से अवलोकन किया गया। ऐसे लग रहा था कि भारत द्वारा अंतरिक्ष से अवलोकन किया जा रहा है भारत की अर्थव्यवस्था का। और इस प्रकार भारत की जो GDP जो 4-5-2-3% हुआ करती थी वह 8% पे पहुँच गई। और एक ऐसा समय आया कि भारत द्वारा जो भारत की जो अपनी अर्थव्यवस्था के प्राण फूंकने की इतना काम कर रहा था वो भारत अन्य विकासशील देशों को सहयोग प्रदान करने लगा। और आज हमारा देश विश्व के महान अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जाने लगी है, जो कहीं ना कहीं भारत द्वारा इस अद्भुत सुधार का ही परिणाम है। आज भी भारत सरकार द्वारा अपने मेक इन इंडिया कार्यक्रम, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के साथ साथ बहुआयामी योजनाओं के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था में लगातार प्राण को फूंका जा रहा है। क्योंकि जब तक अर्थव्यवस्था में समय समय पर ईंधन नहीं डाला जाएगा, उसे नियोजित नहीं किया जाएगा, तब तक हमारी अर्थव्यवस्था गत्यात्मक नहीं होगी। क्योंकि वर्तमान समय गत्यात्मक सोच का समय है और वही अर्थव्यवस्था गत्यात्मक होता है जिसे आप लगातार प्रासंगिक बनाए रहने के लिए समय के साथ परिवर्तन करेंगे। और आज भारत सरकार द्वारा वह समुचित प्रयास किया जा रहा है जो होने चाहिए, बशर्ते अभी भी हमारे देश में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसके कारण भारत आज भी प्रथम देश नहीं बना है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। यदि हम सभी भारतीय सहयोग करें, एक कदम आगे बढ़ाएं, तो अवश्य यह 21वीं सदी भारत की सदी होगी। और इसी के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।